एवरीवन गाइस, आज मैं 8050 काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी 5-6 प्रिंटर सेल करने के बाद आज वीडियो में डाल रहा हूँ। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि क्यों वीडियो नहीं डाल रहे हैं आप, ठीक है। तो मैं चाहता था कि फुल प्रूफ चीज़ें डालूँ, ठीक है। तो मैं आपको एकदम फटाफट बता दूँ, थोड़े हाथ भी गंदे हैं मेरे अभी। बात यह है कि ये प्रिंटर है, इससे पहले मैंने 8180 का प्रिंटर डाला था जिसमें यहाँ की तरफ स्कैनर था। अभी इसमें हम लोग ने क्या क्या डाला है, इसमें हमने सिमुलेटर डाला है जिससे हम PE सेंसर को सिमुलेट कर सकते हैं। मतलब पेपर में हमें टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट वो ले लेगा। हम उसके साथ ये मेटल सपोर्ट दे रहे हैं जो कि यहाँ तक आती है, पूरी यहाँ तक आती है, देख सकते हो आप इस तरफ, ठीक है। तो इसके बाद हम इसमें टैंक अंदर ये ओरिजिनल टैंक लगा रहे हैं एप्सन का, प्लस हम इसके साथ आपको वाइटिंग सर्कुलेशन भी लगा के दे सकते हैं अगर आप इसमें हमें एक्स्ट्रा पे करते हो तो, ठीक है। इसके साथ साथ हम इसमें आपको एप्सन का जो है रीसेटर है हमारे पास, जिससे आप अनलिमिटेड टाइम तक ये रीसेट कर सकते हो, ठीक है। और हम दे रहे हैं एप्सन का एक्रोलिक डोंगल, ठीक है, जो कि मिलेगा आपको 5500। मतलब इन ऑल सारा कुछ पैकेज मिला करके हमने एक ब्रोशर में सब कुछ डाल रखा है, A4 और A3 दोनों का। तो किसी को भी कांटेक्ट करना है हमें बताएं। हम एक्रोलिक 11.2 से प्रिंट कर रहे हैं विद द स्पीड विद द मॉड्यूल वी हैव, ओके। उससे आपको ज़बरदस्त स्पीड भी मिलेगी, स्लो डाउन भी नहीं होगा। हम अभी एक और चीज़ लेके आने वाले हैं जिससे आपकी जो रेगुलर प्रिंटिंग है वो स्लो डाउन ना हो। वो एक कंट्रोलर आ गया है हमारे पास, वो कंट्रोलर भी हम इसमें डाल के दे सकते हैं, बट इट्स ऑल एक्स्ट्रा थिंग्स, ओके। तो अभी हम एक जस्ट टेस्ट प्रिंट करके दिखाने वाले हैं कि ये कैसे काम करेगा। अच्छा, मैं इसमें सर्कुलेशन जो लगाया है ये L1800 जैसा ही सर्कुलेशन है। जब भी आपको प्रिंटर स्टार्ट करना है यहाँ पे दो बार दबाना है, वो सर्कुलेट होकर के आपके डैम्पर से सर्कुलेट होकर के वापस इसमें आ जाएगा। ये उसी तरीके से है जैसा L1800 में हम बना के दे रहे हैं। इसमें भी आपको फिल्टर मिलता है, ये हम एक्ट को बना के दे रहे हैं क्योंकि कस्टमर ने काफ़ी कम पैसे पेमेंट किए। उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे बस दे दीजिए, आई डोंट वांट कॉस्टली वन। हमारा मेटल में हमारा कुछ इस तरीके से सर्कुलेशन आता है, ठीक है। और ये एक्चुअली थोड़ा रिपेयर होने के लिए आया है क्योंकि बंदे का पूरी इंक अंदर की तरफ फैल गई थी, तो इस वजह से ये रिपेयर होने के लिए आया है। और वो भी कुछ उसकी गलती की वजह से, उसने सिरिंज उठा करके जैसे ही पिचकारी मारी तो अंदर चला गया। तो ये मेटल बॉक्स में है और ये एक्रेलिक बॉक्स में है, दोनों में तकरीबन 2000 रुपये का अंतर है, बट ओवरऑल देखें तो दोनों अपने तरीके से सेम काम करते हैं। अब बात आती है कि ये प्रिंटर काम कैसे करेगा सर्कुलेशन के साथ। ये वैसे ही करेगा जैसे हमने L1800 में बनाया था, बस आपको यहाँ पर प्रेस करना है और ये सर्कुलेट हो जाएगा 2-2 सेकेंड के अंतराल में। अब हम यहाँ से एक बार एक छोटा सा एक प्रिंट देते हैं। प्रिंट क्या, अभी इसमें इंक है ही नहीं, तो हम जस्ट आपको दिखाना चाहते हैं कि हम फिल्म डालेंगे तो विदाउट टेप कैसे वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब बस इस पर प्रिंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोनों सेलेक्ट करेंगे। एक सेकेंड ना, यहाँ पे हमारा प्रिंटर सेलेक्टेड नहीं है। हम इसको यहाँ पे ये सेलेक्ट करके, यहाँ पे रियर ट्रे सेलेक्ट करके, ये सारा कुछ कलर यहाँ पे सेट करके, ये डोंगल देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, विदाउट डोंगल ये एरर दे देगा। फिर प्रिंट पे क्लिक करते हैं 1 डाल करके। जैसे ही हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे, सबसे बढ़िया बात इसकी एक्रोलिक की ये है कि बहुत जल्दी ये रेंडर करता है, ठीक है। इसमें सिर्फ शीट फीड ही कर सकते हैं, रोल फीड हम लोग ने ट्राई किया है लेकिन 1 मीटर 2 मीटर से ज़्यादा प्रिंट ही नहीं कर पा रहा है। 2 मीटर प्रिंट करेगा फिर उसके बाद पूरा पेपर बाहर निकाल देता है। अभी देखिए ये प्रिंट यहाँ पे चला गया। अब देखिए ये फिल्म को अंदर लेगा। फिल्म को अंदर लेने के बाद ये देखिए बिना टेप के ही ये प्रिंट स्टार्ट कर दे रहा है। तो ये है हमारे सिमुलेटर का जादू। यहाँ पे देखिए आपको एक ग्रीन तरीके की लाइट आ रही होगी, अभी लाइट्स में नहीं दिखाई दे रही है लेकिन यहाँ पे लाइट है इस जगह पे, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरीके से देखेंगे तो दिखाई देगी, ये देख सकते हो ये लाइट आपके अंदर मॉड्यूल लगा हुआ है उसकी है, तभी ये विदाउट टेप प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए ये हेड मूव हो रहा है, काफ़ी स्पीड में प्रिंट हो रहा है, ये काफ़ी बड़ा प्रिंट है, ठीक है।
तो ये प्रिंट करके निकालेगा, और ये हमारी फिल्म यहाँ पे प्लेट बाहर लगी हुई है तो ये डायरेक्ट एकदम स्ट्रेट बाहर निकलेगा। ये हम ये नेसेसरी है, और हमारा कन्वर्जन ऐसा है कि आपका हेड टच नहीं होता है। मतलब कई लोगों का ये कहना है कि उनकी फिल्म बिगड़ जाती है प्रिंट करते हुए, बट हमारे कन्वर्जन में ऐसी कोई भी गलती आपको नहीं मिलेगी क्योंकि हम प्रोफेशन के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने सब मेंशन कर रखा है। एप्सन का ओरिजिनल यहाँ पे कवर आता था वो निकाल दिया है, और यहाँ पे ये सारा मेंशन किया है कि आप इसको वही कलर डालें जो हम मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसी सीक्वेंस से चलना है। अगर आप दूसरे सीक्वेंस से चलते हो तो कलर प्रिंट नहीं आएगा, उल्टा सीधा कलर आएगा। इसलिए LCLM की जगह हमें बस वाइटिंग डालनी है, और बाकी सारे CMYK के वैसे ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा एक्सप्लेनेशन। काफ़ी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें बताने लायक हैं, लेकिन ये देखिए अपने आप कैसे एकदम स्ट्रेटली यहाँ से बाहर निकल रहा है। देखिए एक चीज़ इसमें आपको ये ध्यान रखनी है, जैसे ही प्रिंट हो जाए आपको ये प्रिंट बाहर निकाल लेना है, क्योंकि जो सिमुलेटर है ना उसमें अगर आप थोड़ा सा ही प्रिंट करते हो ना, थोड़ा सा प्रिंट करने के बाद वो अपने आप इस चीज़ को अंदर लेने लगता है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, प्रिंट होने के बाद आपको ये चीज़ बाहर निकाल लेनी है। आपको जितना भी 2-3 सेकंड समय मिल रहा है उतने समय में आपको ये पकड़ के ऐसे बाहर खींच लेना है। ठीक है, ये तो हुआ एक ट्रायल डेमो। अभी कस्टमर के पास से ऑलरेडी काफ़ी कस्टमर्स ले चुके हैं हमसे, और उन्होंने डेमो वीडियो बना के भेजा है, तो हो सकता है मैं अभी इसी वीडियो में उस वीडियो को ऐड करके मतलब आपको प्रिंट किया हुआ दिखा दूंगा कि बंदे ने 3 मिनट में कैसे एक A3 प्रिंट किया हुआ है। ठीक है, सबसे सुपर फास्ट प्रिंटर है, और इसमें XP600 हेड डला हुआ है, यहाँ की तरफ बोर्ड लगा हुआ है। ज़्यादा अगर प्रिंट करेंगे तो बोर्ड थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है, तो वो सारी चीज़ों के लिए भी हमने चीज़ें लेके आए हैं। ये